ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। भगवान विष्णु के जो दशा अवतार हैं, वैसे तो उनके प्रत्येक अवतार का अपना महत्व है। सभी अवतार पूज्य हैं अपने अपने स्थान पर, फिर भी भगवान नृसिंह का जो अवतार है उनका, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसकी बहुत प्रतिष्ठा है। उसकी साधना का विशिष्ट क्रम है। भक्तों की रक्षा के लिए और शत्रुनाश के लिए नृसिंह की उपासना बहुत कारगर मानी गई। उन्होंने अवतार ही लिया था भक्त की रक्षा के लिए। वो कथा हम सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने खंभा फाड़ करके एक आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का, इस रूप में उन्होंने वरदान अवतार लिया। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वो न मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न किसी जानवर से, न दिन में, न रात में, जिस तरह की जमीन पर, न आकाश में, कहीं पर भी मृत्यु नहीं होगी, इस तरह का वरदान प्राप्त। तो उसी को, उससे इतने प्रबल शत्रु, इतना आरक्षा स्वरूप जिसको प्राप्त था, उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने जिस स्वरूप का अवतार लिया, वही स्वरूप नृसिंह के रूप में पूजा जाता है। हमारे यहाँ इतने कथानक हैं, कई घटनाएं ऐसी सुनने में, पढ़ने में आती हैं हमारे पुराणों से संबंधित, जिनको सुनकर के प्रश्न पैदा होते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या यह संभव है, और यदि नहीं तो फिर इन कथाओं के पीछे रहस्य क्या है। आधा शरीर मनुष्य का, आधा पशु का, एक खंभे को फाड़ करके प्रकट होना जैसी कई घटनाएं, इससे भी कई अधिक विचित्र विचित्र घटनाओं का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, आज उसे भी समझते हैं कि आखिर इन कथाओं के ऐसे जो कथानक हैं, इनके पीछे रहस्य क्या है, उसे बाद में समझते हैं। पहले भगवान नृसिंह की साधना से संबंधित, जो किसी भी साधक के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, यदि वो पीड़ित है किसी शत्रु बाधा से, किसी भी प्रकार की परेशानी से, किसी कामना की पूर्ति यदि चाहते हों, प्रत्येक किसी भी क्षेत्र में जो भी कुछ आकांक्षा हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी भगवान नृसिंह की उपासना की जा सकती है। इन सब संबंध में, इन्हीं संबंध में चर्चा कर लेते हैं, बाद में समझेंगे उन पुराणों के कथानों के रहस्य को। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो तिथि आती है, वो भगवान नृसिंह की जयंती, यह तिथि भगवान नृसिंह के जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन नृसिंह के भक्तों को भगवान के मंदिर में दर्शन, नृसिंह मंदिर उपलब्ध हो, उनके दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। यदि नगर में जहाँ रहते हों हम, वहाँ गांव में, कस्बे में भगवान नृसिंह का मंदिर यदि न हो, तो भगवान विष्णु के मंदिर में, राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, क्योंकि भगवान नृसिंह विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए विष्णु के मंदिर में या उनके अवतार के किसी भी मंदिर में जा कर के उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए नृसिंह जयंती को। भगवान नृसिंह का जो बीज है, एकाक्षर बीज, वो है क्षणांग। तो एकाक्षर बीज के आगे नमः लगाएं, क्षणांग नमः। इसका जितना हो सकता हो अधिकतम जप करना चाहिए। एक ही बीजाक्षर है, छोटा सा मंत्र है, इसलिए अधिकतम संख्या में जप नृसिंह जयंती पर किसी भी कामना से करने पर उस कामना की पूर्ति होती है। दूसरा है सहज और सरल सा मंत्र है, जय जय श्री नृसिंहाय नमः। इसकी भी यथाशक्ति, क्योंकि मंत्र ये भी छोटा ही है, जितना सामर्थ्य, जितना हमारे समय की उपलब्धि है, नृसिंह जयंती से प्रारंभ करके एक संकल्प ले सकते हैं हम, जो हमारा कालिक पुरुष चरण है, या 5 दिन 7 दिन 9 दिन 11 दिन वो उपासना करनी चाहिए किसी लक्ष्य को लेकर के। ओम श्रीं लक्ष्मी नृसिंहाय नमः, यह मंत्र लक्ष्मी से संयुक्त है। यदि हमारी आकांक्षा धन से संबंधित है, धन प्राप्ति की है, आर्थिक समस्याएं हैं, ऐसी स्थिति में ओम श्रीं लक्ष्मी नृसिंहाय नमः इस मंत्र का जप
बहुत सहायक हो सकता है। शत्रु बाधाओं से निवारण के लिए जो सहज छोटा मंत्र है वो है ओम श्रौं महानृसिंहाय नमः। इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यदि शत्रु बाधा सामान्य सी है तो सहजता से इससे निराकरण हो जाएगा। दूसरा मंत्र है ओम श्रौं नमो भगवते नृसिंहाय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जप किया जा सकता है, जो हमें अच्छा लगे उसका लें, उसी को लेकर के क्रम में और अनुष्ठान करें। एक मंत्र ऐसा जो सर्वाधिक प्रचलित और भगवान नरसिंह की उपासना में इस मंत्र की बहुत ख्याति है। यह मंत्र तीन स्वरूपों में प्राप्त होता है और वो है उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। यह मूल मंत्र है। इस मंत्र के आगे और पीछे रिंग का संपुट लगा करके एक मंत्र बनता है, जो दूसरा स्वरूप है इस मंत्र का, उस स्थिति में वो मंत्र हो जाएगा रीं उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम रीं नमः। तीसरा स्वरूप है इसका ओं श्रौं, आगे प्रणव लगेगा और उनका बीज लगेगा। ओं श्रौं उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। इन तीनों स्वरूपों के, जो ये तीनों भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, अपनी कामना के आधार पर यदि हम सामर्थ्य चाहते हैं, हम वर्चस्व चाहते हैं, राजनीति जैसे विषय क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी क्षेत्र में वर्चस्व चाहते हैं, तो रिंग का संपुट लगा करके किया हुआ जप बहुत फलदायी रहता है। यदि शत्रु बाधा से पीड़ित हैं और मुक्ति चाहते हैं तो आगे ओंग और श्रौं जो बीज लगा करके मंत्र बनता है उसका जप करना चाहिए। और सामान्य से हम कल्याण की कामना रखते हों, सहजता से हमारे कार्य पूर्ण होते रहें, इस तरह की कामना हो, सहजता से हम शत्रु बाधा से बचे रहें, कोई हमें परेशान ना कर पाए, तो उस दृष्टि में, उस स्थिति में उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम मंत्र का जप कारगर रहता है। किसी भी उपासना में, हम किसी भी देवता की उपासना करें, उपलब्ध हैं हमारे पास, तो उसमें सबसे पहले उस देवता की गायत्री का जप करना चाहिए। और चूंकि भगवान नृसिंह एक उग्र स्वरूप है, उग्र अवतार है वो, ऐसी स्थिति में नृसिंह की साधना में तो उनकी गायत्री का जप करना ही चाहिए। और वो है ओं वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्टाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। ये भगवान नृसिंह की गायत्री है। इस मंत्र की एक माला जप करने के बाद फिर नृसिंह का, भगवान नृसिंह के जो मैंने मंत्र अभी आपसे निवेदन किए, उनमें से किसी भी मंत्र का अपनी कामना के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम मंत्र का चयन करें और उनका जप करें, निश्चित रूप से आपकी आकांक्षा की पूर्ति होगी। भगवान विष्णु का अवतार है नृसिंह का स्वरूप, लेकिन है तो उग्र स्वरूप, वो बहुत प्रचंड स्वरूप है वो। और इस मंत्र, इस अवतार के बाद, हिरण्यकश्यप के वध के बाद बहुत विकराल स्वरूप, वो शांत नहीं हो पाए, वो जो रास्ते में आया उसका भी विध्वंस करते चले गए, उसे भी नष्ट करते चले गए। उस स्वरूप को शांत करने के लिए फिर जो अवतार भगवान शिव ने लिया उसे आकाश भैरव कहते हैं। इस अवतार के साथ एक और अवतार जुड़ा हुआ है। आकाश भैरव की साधना के बारे में कभी विस्तार से किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, इस वीडियो में फिलहाल नरसिंह भगवान की चर्चा करते हैं। तो नरसिंह की प्रारंभ में, जैसा प्रारंभिक चरण करते हैं हम आसनादि करने के बाद गुरुचरण, सबसे पहले गुरु स्मरण, उसके बाद फिर गणपति स्मरण, और फिर जो तो आचमन आदि, प्राणायाम आदि, संकल्प आदि करने के बाद
सर्वप्रथम हमको भगवान विष्णु का ध्यान करना है नृसिंह की उपासना में। शांताकारम भुजंग शयनम, जो स्वरूप हम शांत है उनका, उसको स्मरण करें, उनको नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपके नृसिंह स्वरूप का स्मरण करके आपके नृसिंह स्वरूप की उपासना कर रहा हूँ शत्रु बाधा से निवारण के लिए। मुझे विवश किया गया है, मैं परेशान हूँ, विवश हूँ, इसलिए मैं ये उपासना कर रहा हूँ, इसलिए क्रोध न करके मुझ पर कृपा करके मुझे सफलता प्रदान करें। भगवान विष्णु के शांत स्वरूप से इस तरह का निवेदन करने के बाद तो ये निवेदन और ये प्रार्थना आपके लिए कवच का काम करेगी। भगवान विष्णु का जो शांत स्वरूप है वो आपकी रक्षा करेगा, भगवान नृसिंह के किसी भी तरह का जो उनका जो क्रोधमय स्वरूप है उससे हमें किसी भी तरह की हमारे मन में क्रोध की स्थिति नहीं बनेगी, हम सुरक्षित रहेंगे। ये आवश्यक है, भगवान विष्णु को पहले नमन करें और उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन, भगवान नृसिंह का पूजन करके उनके किसी भी मंत्र का हम अनुष्ठान करें। जैसी हमारी कामना उसके अनुसार से हम मंत्र का चयन करें और जप करें, निश्चित रूप से आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। अब जो कथानक है, कथानक ये कि भगवान विष्णु ने नृसिंह का अवतार लिया, प्रहलाद की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने खंभा फाड़ करके वो प्रकट हुए और स्वरूप उनका क्या, आधा शरीर मनुष्य का आधा सिंह का। तो सीधा सा इसका अर्थ ये है कि अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी स्वरूप को अंगीकार कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकते हैं और भक्त की रक्षा कर सकते हैं। यही इसका अर्थ, यही है, यही इसका भावार्थ है इस कथानक का। भगवान विष्णु ने प्रहलाद पर कृपा की, एक ऐसा स्वरूप किया जो उस हिरण्यकश्यप को जो वरदान प्राप्त था उस सारे वरदान, उनके वरदान को भंग करते हुए, सबको तोड़ते हुए उन्होंने भगवान अपने भक्त की, प्रहलाद की रक्षा की। कितने ही कथानक हमारे पुराणों में जो मिलते हैं उनके पीछे रहस्य यही है कि हम थोड़ा ध्यान दें कि उसके पीछे सीक्रेट क्या बोलते। तो इस कथा में यही है कि अगर आप आस्था रखते हैं, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, तो निश्चित रूप से जो आपके इष्ट देव हैं वो किसी भी माध्यम से आपकी रक्षा करेंगे, किसी भी स्वरूप में वो सामने आ सकते हैं और आपका बचाव करेंगे। यही विश्वास, यही इस कथा का सार है। एक कथा है, आपने सुनी हो, वो वैसी की वैसी सुनाई जाती है और बड़ी वो विचित्र सी लगती है, क्या ऐसा संभव है, उसके पीछे भी रहस्य। एक ऐसे हमारे पुराणों की जितने कथानक है सबके पीछे रहस्य, और वो है कच्छ की और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की कथा। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी और मृत संजीवनी विद्या के कारण वो जो देव और असुरों में, राक्षसों में युद्ध होते थे, शुक्राचार्य उन राक्षसों को उस मृत संजीवनी विद्या के कारण पुनः जीवित कर दिया करते थे, इसलिए राक्षस हमेशा देवताओं पर भारी पड़ते थे। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने सोचा कि किसी तरह से ये विद्या यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं इस विद्या के माध्यम से देवताओं की सहायता कर सकता हूँ, और वह शुक्राचार्य के पास गए उन्होंने शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए। शुक्राचार्य से निवेदन किया, शुक्राचार्य ने कच्छ को शिष्य स्वीकार कर दिया। अब जब राक्षसों को इस बात का पता चला कि हमारे गुरु ने, हमारा जो विपक्ष है देवता, उनके जो गुरु हैं उनके पुत्र को अपना शिष्य बना लिया है, अगर हमारे गुरु ने ये मृत संजीवनी विद्या उसको दे दी तो ये तो हमारे लिए भारी पड़ेगा, नुकसान की बात हो जाएगी बहुत। तो एक दिन षड्यंत्र करके और राक्षसों ने कच्छ का वध कर दिया। शुक्राचार्य के एक ही पुत्री देवयानी और वो शुक्राचार्य बहुत प्रेम करते थे, संयोग से दोनों युवा और देवयानी कच्छ पर आसक्त हो गई थी।
देवयानी ने जिद की, मैं कच्छ को जीवित देखना चाहती हूँ। और शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उस मृत कच्छ को जीवित कर दिया। इस तरह से षड्यंत्र करते रहे राक्षस। राक्षसों ने कई बार मारा, हत्या की कच्छ की, लेकिन देवयानी की जिद और वो शुक्राचार्य कच्छ को जीवित करते रहे। एक दिन राक्षसों ने विचार किया, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारे गुरुदेव इस कच्छ को पुनर्जीवित ना कर सकें। उन्होंने कच्छ का वध किया, उसकी हत्या की और मार के उसको जलाया। जला करके उसकी राख को सोमरस में मिला करके अपने गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। अब राक्षसों ने सोचा कि अब कैसे जीवित कर सकते हैं, उसका तो अस्तित्व ही, शरीर जो स्थूल पंचतत्व का, उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। सायंकाल जब भोजन के समय में आवाज़ लगाई गई, कच्छ का पता नहीं, जब कच्छ की आवाज़ आई तो शुक्राचार्य के पेट से आई। सब बड़े अचंभित, बड़ी स्थिति खराब, अब क्या किया जाए। देवयानी ने कहा कि मुझे कच्छ जीवित चाहिए पिताश्री। शुक्राचार्य ने कहा कि इस स्थिति में यदि मैं कच्छ को जीवित करता हूँ तो ये मेरा पेट फाड़ के निकलेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। देवयानी कहती, मैं कुछ नहीं जानना चाहती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे कच्छ जीवित चाहिए। शुक्राचार्य से निवेदन किया पेट में से कच्छ ने कि गुरुदेव एक उपाय है, बोले बताओ क्या उपाय है। तब तक शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या अभी तक सिखाई नहीं थी, तो कच्छ ने कहा कि आप मुझे मृत संजीवनी विद्या सिखा दीजिए और फिर मुझे जीवित कीजिए, मैं आपका पेट फाड़ के निकलूँगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुझे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो चुकी होगी, उसी विद्या से मैं आपको पुनर्जीवित कर दूँगा। शुक्राचार्य को ये उपाय पसंद आया, उन्होंने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या सिखाई। उस स्थिति में कब, जब शुक्राचार्य के पेट में कच्छ राख के रूप में सोमरस के माध्यम से पहुंच चुका था, पेट में घुसा हुआ था, और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान कच्छ को दिया। और फिर वो ज्ञान देने के बाद कच्छ को जीवित किया। कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़ के निकला, शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके और शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद शुक्राचार्य का जो मंतव्य था, जिस उद्देश्य से कच्छ आया था शुक्राचार्य के पास, वो उसका पूर्ण हो गया था। मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई थी उसको, वो जाने के लिए तैयार हुआ। विदा की आज्ञा मांगी तो देवयानी ने कहा, जब उसको देवयानी को ये बात पता चली, उसने कहा कि जाते कहाँ हो, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, इतनी बार मैंने तुम्हें मृत्यु के मुँह से बचाया है, और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा, तुम नहीं जा सकते। कच्छ तो आया ही किसी और उद्देश्य से था, देवयानी से विवाह का तो उसका उद्देश्य था ही नहीं। तो कच्छ ने कहा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, तुम मेरी बहन हो, मेरी भगिनी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मुझे विदा करना होगा, मुझे जाना ही होगा, विदा होना ही होगा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मना कर दिया कच्छ ने। देवयानी नाराज हो गई, कथा ये कहती है। देवयानी इस पर कुपित हुई और देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि ठीक है, तुम विद्या सीख तो चुके हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब आवश्यकता पड़ेगी तुम इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे, तुम भूल जाओगे, इस विद्या का सीखना ना सीखना तुम्हारे लिए बराबर हो चुका है। अब ये कथा क्या कहती है, इस कथा का अर्थ क्या है, क्या समझ में आता है, क्या ऐसा संभव है? हम थोड़ा सा एक तार्किक दृष्टि से विचार करें तो असंभव जैसी बात लगती है, लेकिन ये घटना संभव है, और किस तरह से संभव है थोड़ा समझते हैं इस बात को। ये कथा व्यर्थ नहीं है, सत्य है। सत्य कैसे है समझिए, आज के समय में भी आपको कई बार सुनते देखा होगा लोगों के, कोई व्यक्ति किसी का अत्यंत विश्वास पात्र जब हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि वो उसके पेट में घुसा हुआ है, और वो तो बिल्कुल ही उसके पेट में घुसा हुआ है। और जहाँ तक रहस्य का सवाल है, कोई सीक्रेट, तो क्या बात करते हैं, कोई बात कहते हैं कि यार ये बात उसको मत बताना,
क्यों? कि उसके पेट, उसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। अर्थात रहस्य जो है ना, रहस्य का स्थान हमारा पेट माना गया है, और उसको यदि प्राप्त करना है तो पेट में घुसना पड़ेगा। अर्थात उसका इतना विश्वास पात्र बनना पड़ेगा जिससे ये समझा जाए, जिसे इस तरह देखा जाए कि व्यक्ति मानो पेट में ही घुसा हुआ हो। यही इस कथा का सार है। और कच्छ ने यही किया। कच्छ ने इतना विश्वास प्राप्त किया शुक्राचार्य का पेट में घुसने के समान, और इतना विश्वास करने के प्राप्त करने के बाद, इतना विश्वसनीय होने के बाद शुक्राचार्य को जो मृत संजीवनी विद्या कच्छ को देनी ही थी दी। यही इसका रहस्य। हम हमारे पुराने जो कथानक हैं उनको इसी तरह समझने का प्रयास करें, निश्चित रूप से हमारे लिए वो बहुत ही कारगर और मार्गदर्शक परख हो सकते हैं। तो भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह आप सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।